दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक साजिश के तहत झूठे मामले में जेल में रखा गया है। दिल्ली मॉडल या अरविंद केजरीवाल मॉडल को जिस तरह लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया उसे रोकने के लिए ये सारे केस बनाए गए। वैसे बहुत लंबा संघर्ष रहा और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि एक झूठा केस बना के ये पूरी साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं इंक्लूडिंग माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा गया है ताकि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग पूरे देश में एक बहुत बढ़िया सरकार जो है सभी पूरे देश को दे रही है दिल्ली मॉडल कहें या अरविंद केजरीवाल मॉडल कहें मेरे ख्याल से जिस प्रकार से लोगों ने उसको अपना प्यार दिया आशीर्वाद दिया तो उसको रोकने के लिए उसको ताकि वो आगे ना बढ़े उसकी वजह से मेरे ख्याल से ये सारे केस जो हैं बनाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इतने लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को जबकि ट्रायल जिस स्पीड से चलना चाहिए वो नहीं चली तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसका जो एक मौलिक अधिकार है कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और इनफैक्ट हम भी जब लॉ पढ़ते थे तो हमने यही सुना था कि बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट है तो मेरे ख्याल से माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस फंडामेंटल राइट को एक बार फिर दोबारा रिकॉग्नाइज किया।